हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में इंस्टॉल करने जा रहा हूँ डिजिटल फ्यूल मीटर को, क्योंकि काफ़ी जन ने अपने क्वेश्चन पूछा था कि अगर फ्यूल मीटर ख़राब हो जाता है तो उसको कैसे क्या करें, तो उसका ये सलूशन है। एक्चुअली फ्यूल मीटर को जो रिपेयर करने की वीडियो, अगर आपकी वायरिंग वगैरह ख़राब होती है तो वो तो मैं उसके बारे में तो मैंने वीडियो बना दी है। ऊपर आई बटन में लिंक मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका फ्यूल मीटर ही ख़राब हो चुका है तो आप इस टाइप का भी लगा सकते हैं। ये पूरा वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा कैसे इसको इंस्टॉल करना है। तो चलिए करते हैं शुरू इसको। तो बस कुछ इस टाइप से ये फ्यूल मीटर है। ये इसका प्राइस मेरे ख्याल से मेरे को 650 के करीब पड़ा है। अभी करंट जो है, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, आप यहाँ से जाके इसको देख सकते हैं क्या प्राइस चल रहा है अभी इसका। तो ये इस टाइप से कुछ आता है ये पैक होके। तो गाइस, बहुत सिंपल से इंस्टॉलेशन है इसकी। तीन वायर्स के साथ आती है, एक आती है इसके साथ ग्रीन, एक आती है येलो और एक आती है ब्लैक। और ग्रीन और जो ब्लैक है वो तो प्लस और माइनस की हो जाती है, और जो आपकी येलो वाली है वो जाती है आपके जो फ्यूल मीटर का जो सेंसर होता है, जो कि टंकी के नीचे लगा होता है, उसमें जाती है। और एक साथ में ये वेरिएबल रजिस्टर दिया हुआ है, और इसका काम मैं आपको बाद में बताऊँगा। और ये छोटे छोटे नट है यहाँ पर इसको माउंट करने के लिए। और अभी इसकी जो वायरिंग है उसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूँगा, क्योंकि ये येलो वायर है इसकी, उसको मुझे ज़्यादा एक्सटेंड करना पड़ेगा। और जो बाकी ये दो वायर है उसकी पॉजिटिव नेगेटिव का कनेक्शन है, उसको हल्का हल्का सा मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। तो क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के लिए मैंने छोटी छोटी वायर का यूज़ कर रहा हूँ, और जो येलो वाली है उसके लिए बड़ी वायर का यूज़ कर रहा हूँ। तो जल्दी से मैं इसकी वायरिंग को एक्सटेंड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आगे। तो गाइस, कुछ इस टाइप की मैंने स्ट्रिप लिया है, इसमें मैंने दो होल किए हैं मीटर को माउंट करने के लिए, और एक बड़ा वाला होल है जहाँ जिसकी मदद से मैं इसको जो है बाइक में माउंट करूँगा। तो ये जो स्ट्रिप है ये काफ़ी हार्ड है, तो आप देख लीजिए, अगर आपको मेटल की चाहिए तो आप मेटल की बनवा सकते हैं, नहीं तो जो प्लास्टिक है वो ईजिली बन जाती है। और इतना मीटर का वेट नहीं है कि ये गिर जाएगा इससे, और इसलिए मैं ये प्लास्टिक का यूज़ कर रहा हूँ। तो जल्दी से मैं इसको लगा लेता हूँ, फिर मैं आपको बाइक के साथ माउंट करके बताता हूँ कैसे लगता है ये। तो गाइस, फिलहाल के लिए तो मैं इसको बाहर की ओर माउंट कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं दूसरी वीडियो बनाऊँ जिसमें कि मैं मीटर में इसको इंस्टॉल करके बताऊँ, तो मैं इसमें टारगेट रख रहा हूँ 2000 लाइक का। अगर आप इस वीडियो पे 2000 लाइक कर देते हो तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो खैर, जल्दी से इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या करना है। तो गाइस, कुछ इस टाइप से मैंने इसको जो है फिक्स कर दिया है। अभी इसकी वायरिंग करने के लिए मुझे इसका वाइजर भी खोलना पड़ेगा, और साइड पैनल जो है लेफ्ट वाला वो भी खोलना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको वायरिंग समझा देता हूँ, इसकी तीन वायर है, क्या क्या काम है इसका। तो गाइस, सबसे पहले जो ग्रीन वायर है, ये ग्रीन वायर नेगेटिव की होती है, तो या तो ये जाएगी नेगेटिव में, या फिर ये बॉडी के साथ अर्थ होगी। और ये जहाँ पर जो ब्लैक वायर है ये जाएगी आपके पॉजिटिव में, जो कि हैंडल का स्विच है, हम उसके साथ इसको लगाएंगे। तो ये दोनों वायर जाएंगी आगे वाले पैनल में, तो इसके लिए मुझे वाइजर इसका खोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसका वाइजर खोल लेता हूँ। और जो येलो वाली वायर है वो जाएगी आपके सेंसर में, जो कि आपकी टंकी के नीचे लगा होता है, तो उसका मैं आपको कनेक्शन बाद में बताता हूँ। पहले मैं इसका वाइजर खोल के इसका आपको दोनों वायर का वो कनेक्शन बताता हूँ। तो गाइस, ग्रीन वायर सभी जो होती है स्प्लेंडर में वो नेगेटिव की होती है, इसलिए मैं ग्रीन वायर को किसी भी ग्रीन वायर से लगा देता हूँ, जहाँ आप बॉडी के साथ इसको अर्थ कर लीजिए। तो जल्दी से मैं इसको ये लगा देता हूँ। तो गाइस, ब्लैक वायर जाएगी पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव आपको जो है हैंडल का जो ऑन ऑफ करने वाला जो लॉक होता है उसका स्विच होता है, उसमें आपको दो वायर मिलती है, या फिर किसी किसी बाइक में चार वायर मिलती हैं। तो इसमें जो जिसमें 12 वोल्ट का करंट चाबी ऑन करने पे आता है, उस पर आपको इसको लगाना है। आप एक बल्ब की मदद से इसको जो है चेक कर सकते हैं। एक बल्ब लीजिए आप, उसकी बॉडी के साथ एक अर्थ कीजिए, और फिर देखिए कि चाबी ऑन करने के बाद जो है कौन सी तार में 12 वोल्ट का करंट आता है। तो मेरे केस में यहाँ पर ब्लैक वायर है, तो ब्लैक वायर में आपको जो है स्प्लेंडर की लगा देना है। तो जल्दी से इसको मैं लगा के फिर इसके जो कपलर है इसको बंद कर देता हूँ। तो बस गाइस, आगे वाला कनेक्शन जो इसका हो चुका है, अभी इसका जो सेंसर का कनेक्शन है वही करना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल के लिए अभी मैं वाइजर को बंद कर देता हूँ। तो गाइस, अभी मेरे को येलो वायर का कनेक्शन करना है, तो इसका जो कपलर है जो कि आपकी टंकी के नीचे सेंसर होता है, इसको मैं निकाल लेता हूँ। इसमें आपको दो वायर मिलती है, एक जो है ग्रीन है इसमें, और एक येलो है। तो येलो में तो सिंपल आपको येलो लगा देनी है, और जो ग्रीन वाली है उसको आपको जो है अर्थ कर देना है किसी भी बॉडी पार्ट के साथ। तो गाइस, यहाँ पर जो ब्लैक वायर है ये मैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच की हुई है, तो इसको मैं जल्दी से लगा लेता हूँ। और गाइस, यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप जो एग्जिस्टिंग मीटर के साथ इसका कनेक्शन करके रखते हैं तो वो वैसे ये काम नहीं करेगा, उसको पहले हटाना पड़ेगा कनेक्शन को, फिर आपको नया कनेक्शन करना पड़ेगा। अगर उसके साथ ही आप इसको कनेक्शन करते हैं तो आपका जो फ्यूल मीटर है वो फुल्ली बताएगा आपकी टंकी को।
तो खैर गाइस अभी सभी कनेक्शन हो चुके हैं, अभी मैं इसके साइड पैनल को और इसकी वायरिंग को जो है सेट कर लेता हूं थोड़ा सा, और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे काम करता है। तो फाइनली गाइस करते हैं अभी चाबी को ऑन। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा मेरे को दिखाई दे रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं पहले पूरी जो इसकी लाइन्स है वो अप हो गई थी, अभी नीचे नीचे डाउन आ रही है अभी। तो ये देखिए, तो गाइस तीन लाइन्स इसकी डाउन आ चुकी है, लेकिन इसमें इतना भी पेट्रोल नहीं है जितना ये बता रहा है। एक्चुअली इसमें आधा लीटर से ज़्यादा मेरे ख्याल से इसमें पेट्रोल नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा बता रहा है। तो इसको कैसे फिक्स करना है ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, पहले इसका मैं पेट्रोल डलवा के लाता हूँ। तो गाइस 90 रुपये पर लीटर इसका जो पेट्रोल है, तो मैं इसमें 300 का डलवा लेता हूँ। तो जल्दी से मैं इसको डलवा के लाता हूँ, फिर देखते हैं इसका क्या कंडीशन होती है इसकी। तो गाइस 300 का मैंने पेट्रोल डाला, लेकिन ये तो फुल बता रहा है। तो इसको कैसे रिपेयर करना है अभी मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस मैंने याद है आपको पहले बोला था कि मैं आपको बाद में बताता हूँ ये वेरिएबल रजिस्टर का। तो ये वेरिएबल रजिस्टर जो लगा होता है, तो इसका काम क्या है तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस सबसे पहले इसको एडजस्ट करने के लिए आपको एक पिन चाहिए ऐसी, तो पिन या स्क्रू ड्राइवर आप छोटा वाला ले लीजिए। अगर पिन है आपके पास तो उसको आपको ऐसे प्रेस कर लेना है आगे से, तो इसकी मदद से आप इसको जो है वेरिएबल रजिस्टर को जो है घुमा पाओगे। तो आप जस्ट जो है वेरिएबल रजिस्टर के बीच में इसको इंसर्ट करना है, और इसको इस प्रकार से आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो गाइस जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो इसकी जो लाइंस है वो डाउन जाएंगी, और जब इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये अप जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको इसको जो है एडजस्ट कर लेना है जितना आप टंकी में जो है पेट्रोल डालते हैं। जैसे कि इसमें मैंने अभी 3 लीटर डाला है, तो उस हिसाब से भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एडजस्ट करेंगे हम जो मेन इसका जो फ्यूल मीटर है उसके हिसाब से। तो पहले मैं इसका जो कनेक्शन है जो मेन फ्यूल मीटर है इसका उससे कर लेता हूँ, दिखाता हूँ पहले कि वो कितना शो करता है, फिर उस हिसाब से इसको जो है एडजस्ट करेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आधी टंकी से थोड़ा सा कम बता रहा है, तो इस प्रकार से मुझे इसको जो है सेट करना है। आप देख सकते हैं इसका कनेक्शन मैंने अभी यहाँ से निकाल दिया है, तो इसलिए ये बंद है। तो इसका कनेक्शन मैं फिर से वापस से कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर आधी टंकी से थोड़ा सा मतलब कम, मतलब अगर मैं इसको 10 मान के चलूँ तो ये इसमें जो है 4 है, क्योंकि 5 बीच में आ गया और जो इसका जो है 4 है ये। तो 4 पॉइंट में मुझे इसको सेट करना है। तो इसकी लाइन जो है 10 होती है, तो इसका मैं कनेक्शन जल्दी से पहले दूसरा कर लेता हूँ जो डिजिटल मीटर के साथ। तो फाइनली गाइस अभी मैंने इसका कनेक्शन फिर से डिजिटल मीटर के साथ कर दिया है। अभी मैं इसकी 4 लाइंस को जो है एडजस्ट करूंगा वेरिएबल रजिस्टर की मदद से जो कि इसके साथ लगा हुआ है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे मैं इसको जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो ये नीचे आ रहा है, जैसे इसको मैं क्लॉकवाइज घुमाता हूँ ये ऊपर नीचे होता है इस प्रकार से। अगर क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये ऊपर जाएगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये नीचे आएगी इसकी लाइन। तो आप देख सकते हैं मैंने 4 लाइन्स पे इसको सेट कर दिया है, 1, 2, 3, 4, तो ये 4 लाइन्स अभी पूरी हैं। तो अभी ये जो फ्यूल इंडिकेटर है जो ये प्रॉपर जो है काम कर रहा है। तो इसके बाद आप इसके वेरिएबल इसको जो है लेमिनेट कर सकते हो ताकि इसमें पानी वगैरह ना जाए, क्योंकि अगर इसमें पानी चला जाता है तो फिर आपकी रीडिंग जो है इधर उधर हो सकती है। तो इस मीटर में सबसे बेस्ट बात मेरे को यही लगी कि इसको जो है आप अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप 10 लीटर ऑयल भी डालते हो अपनी बाइक में तो भी आप 10 लीटर के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि 10 लीटर अगर अभी ऑयल डाला है 10 लीटर पे इसको फुल होना चाहिए या हाफ होना चाहिए, इस प्रकार से आप इसको जो है एडजस्ट कर सकते हैं। तो गाइस डे कंडीशन में अब देखते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं डे कंडीशन में ये थोड़ा सा ऐसा फीके इसकी जो लाइन दिखती है, तो रेड लाइन तो इसकी जो है दिखती है, लेकिन जो बाकी की लाइन वो फीकी दिखती है। तो गाइस मुझे लगता है जब हम इसका जो मीटर में इसको इंस्टॉल करेंगे तो फिर ये इसकी जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस अभी देख सकते हैं आप एक आध लाइन जो है ज़्यादा शो कर रहा है, तो उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो गाड़ी है ये अभी नीचे साइड लगी हुई है, इसका स्टैंड जो है बहुत डाउन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये जो है ये थोड़ा सा फ्यूल ज़्यादा शो कर रही है, क्योंकि इसका जो सेंसर होता है वो लेफ्ट साइड होता है स्प्लेंडर का, तो उसके हिसाब से जो है पेट्रोल एक साइड चला जाता है, तो थोड़ी सी फ्लोट इसकी जो ऊपर उठ जाती है, इस प्रकार से ये जो है थोड़ा सा ज़्यादा बता रहा है इसका। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका जो खुद जो मीटर बीच में होता है उसकी भी ये प्रॉब्लम होती है कि जब साइड पर आप साइड स्टैंड पर अगर आप गाड़ी को खड़ा करते हो तो आपका थोड़ा सा पेट्रोल है वो ज़्यादा बताता है, तो इसका ये इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो गाइस अंधेरे में कुछ ये इस टाइप से दिखेगा, तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी लुक देता है, एक डिफरेंट लुक देता है ये बाइक को। तो अगर आपको ये परचेज़ करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक रहेगा, आप वहाँ से आके इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो गाइस ये यूनिवर्सल मीटर है तो हर बाइक में ये लग भी जाएगा। तो गाइस ये मैंने बैंगलोर से परचेज़ किया था, तो ये मेरे को अप्रोक्सीमेटली कुछ 20 दिन के अंदर अंदर ये मेरे को डिलीवर हो गया था, तो इसलिए मैं इतनी जल्दी ये इसकी वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस अगर आपके पास भी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग गैजेट है जिसका कि आप रिव्यू करवाना चाहते हैं, तो मेरे को आप जो कमेंट करके ज़रूर बताना, या फिर मेरे को आप पर्सनली जो है फेसबुक में मैसेज भेज सकते हैं, तो उसका मैं रिव्यू भी जल्दी कर दूंगा। और गाइस लास्ट में मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, अगर आपको जो है दूसरी वीडियो चाहिए, अगर आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ इसके मीटर के केस में इसको इंस्टॉल करके, तो आपको जो है इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। 2000 लाइक जब इसके पूरे हो जाएंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।